अस्सलामुअलैकुम तमाम यूट्यूब वालों, क्या हाल है। टाइम तकरीबन हो गया है जी 8:30 हो गए सुबह के। धूप शूप जो है वो ऐसा ऐसा निकल रही है। घोड़ों को जो है करते हैं बाहर। मिट्टू पता नहीं किधर है, फिर बाकी व्लॉग उधर करते हैं। कंटिन्यू लाइटें ऑन करूँ, घोड़े इंतजार में निकालो भाई बार। क्या दादी पुत्री, अच्छा राशन माशन खाया था माशाल्लाह। चलो निकालते हैं बाहर, मिट्टू आए तो। अच्छा जी, घोड़े माशाल्लाह साफ हो गए हैं सारे। सकब रह गया, मैंने उसे कहा पहले अंदर से साफ चाहिए कर लो, अभी अंदर से साफ चाहिए कर रहा। तो मैंने कहा चलो सकब जो है कर लेना बाद में, बाकी फिलहाल हो गए सारे साफ। तो थोड़ी देर तक फिर राइडिंग प्रोग्राम जो है बनाते हैं। आज अंदाज को रेस्ट है और क्या कहते हैं जी, अच्छा और शाकिर को भी रेस्ट है। आज नाज की शामत है और रफ रफ की शामत है। अलसकब को भी रेस्ट है। तो बाकी कल अलसकब को लगी थी स्टेडियम में नज़र, गेट के अंदर जो है फंस गया था क्योंकि स्टेडियम का दरवाज़ा बंद हुआ हुआ था। तो मुझे एक बंदा कह रहा था यार इनकी वीडियो सर अपलोड ना जो है किया करो, पर मैंने कहा चलो करते हैं, आदत हो गई है। रफ रफ माशाल्लाह, चलो अंदर थान जो है यही देखते हैं क्योंकि उसके अंदर फैन और जो है ये एक सर्दियों में ये बहुत इशू होता है थान वाला। मिठू हुआ कि सर्दी लगी हुई है आज, क्यों मिठू है सर्दी। अच्छा जरा शल होए नहीं, इन तलों को रखते हैं बाहर धूप पे ताकि सूख जाए। आज दो ही चाहिए तो दो ही लेके जाते हैं, बाकी के इधर ऊपर अपनी जगह पे जो है रखते हैं। सर्दियों में ये बड़ा शू होता ही है, बल्कि इनका शू कि सर्दियों में भी होता है गर्मियों में भी होता है। गर्मियों में भी शाम को बंदा राइडिंग से आता है ये गीले हो जाते हैं, तो ये बड़ा इशू होता है। तौलिया किसने खराब किया भाई, तो अपने सामान की केयर भी खुद ही जो है भाई करनी पड़ती क्योंकि काम वाले पर बंदा नहीं छोड़ सकता ये चीज़ें। काम वाले पे छोड़ दी तो आप फिर इस गेम में कामयाब हो। कई सारे भाई मारे हैं जिन्होंने सब कुछ काम वालों पे जो है ये पे छोड़ा हुआ, लेकिन मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। शौक जिस टाइम क्या करना अपना खर्चा अपना, तो फिर काम भी अपने हाथ का होना चाहिए लाजमी। अच्छा ये भी माशाल्लाह एक व्यू है बीच हमारा, ये एक तौलिया ख़राब जो है कर रहा है काम को। बहरहाल चलो थोड़ा सा कैमरे को ऐसे रख लेते हैं। पहले तो माशाल्लाह जो है लाजमी कह देना, सारे अंदाज को भी देखे और बाकियों को भी देखे। अच्छा वो एक आदमी का कॉमेंट है, वो था कह रहा था कि मेरी सैलरी 35,000 है तो क्या उसके अंदर मैं घोड़ा जो है रख सकता हूँ। देखो मेरे भाई, मुझे नहीं इल्म कि आप अपने उस 35,000 में अपने घर का भी जो निज़ाम है वो भी चला रहे हो या सिर्फ वो आप ही है। अगर अवल तो आप गए तो बिल्कुल आप घोड़ा जो है रख सकते हो। यहाँ पे आप अपने और शौकों पे अपने मतलब अखराजात होते हैं उनको पता थोड़ा जो है ये भी कर लेता है। तो ये सारी जो है लोगों की होती हैं बातें होती हैं कि जी एक घोड़े को जो है कि पालने के लिए 30,000 आता है ये भी खर्चा या 40,000 आता है। सब क्या नाम है झूठ है और वो लोग क्या नाम है मारे होते हैं शोखियाँ। मेरे पास माशाल्लाह माशाल्लाह अपने थान पे घोड़ों को 8 साल हो गए और अब इस महंगाई के दौर में जो मुझे है वो फी हॉर्स जो है नौकर की क्या नाम है ये भी तनख्वाह के समेत 10,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो फी हॉर्स मुझे कॉस्ट कर रहा है। और अगर नौकर ना हो तो तकरीबन आपको 8-8.5 हज़ार रुपये में क्या कहते हैं एक घोड़े को जो है ना मतलब यार देखो सिंपल सा हिसाब है, इसकी कोई स्पेशल इतनी फीड है नहीं। आपने इसको खिलाना है जी भूसा और चोकर, छोले की जहाँ तक रह गई बात वो बंदा उस उन घोड़ों को खिलाता है जिस तरह क्या उसने मेले ही मेले जो है वो भी करने हो या उसके घोड़ों की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो।
जिस तरह मैं हूँ या जो मतलब इनके सिर्फ ये काम नहीं और भी बहुत सारे काम हैं, तो उनके लिए मतलब यही होता है कि घोड़े ज़्यादातर खड़े रहते हैं तो छोला नहीं जो है कि डालते हम लोग, वो इसलिए क्योंकि देखे माशाल्लाह ये भी अभी आबाद है, ना कोई छोला है ना कोई, जो सिर्फ भूसा और चोकर है। अब रफ रफ है वो भी आपके सामने है, शाका है वो भी आपके सामने है, अलसकब भी आपके सामने है, जो नाज है उसको जो कुछ भी जो है वो भी डाल दो, वो इतना आबाद नहीं होता अपना, बस एक नॉर्मल सी एक बॉडी में वो रहता है। अच्छा तो इसमें यह है कि जी एक घोड़ा आपका महीने में हार्डली 2 मन भूसा जो है खा जाता है, ठीक है। 2 मन जो आजकल मेरे ख्याल में एक भूसा उसका जो रेट है फी मन है जी मेरे ख्याल में 1300 रुपीज़, ठीक है। 2 मन का आप जो है ना महीने का जो है ये आप कर लो 2500 रुपये, ठीक है। आपका एक घोड़ा 2500 रुपये का खा रहा है जी भूसा महीने का, ठीक है। और हार्डली 2-2.5 बोरियाँ जो है ना चोकर की वो आपकी इस्तेमाल हो जाएंगी अगर आप चोकर बहुत अच्छा जो है डाल रहे हो। अगर थोड़ा अपने हाथ खींच के जो है वो अगर इस्तेमाल जो कर रहे हो तो तकरीबन कितना 1.5 जो है ना वो इस्तेमाल होंगी, लेकिन अगर आपने एक ही जो है वो रखना है यहाँ पे आपने 1.5 जो है वो डालनी है वहाँ पे 2.5 अगर आप डाल दें तो आपका घोड़ा हेल्दी भी रहेगा और ख़ूबसूरत भी होगा। तो तकरीबन चोकर की एक जो 37 किलो वाला इस वक्त है बैग उसकी कॉस्ट जो है जा रही है तकरीबन 2200 रुपये, ठीक है। तो दो वो आप जो है ये भी कर लें तो तकरीबन 4000 तकरीबन 4500 वो हो जाता है, ठीक है। 4500 हो गया जी चोकर का और जी 2500 रुपये का हो गया भूसा, 4-5-6 तकरीबन 7 से 8000 रुपये आपका आती है कॉस्ट, और बाकी फिर यही होता है जहाँ पे जो भी हवेली हो उसके अंदर जो जिस तरह ये हवेली है यहाँ पे जो है भाई के रखते हैं आप लोग या कोई और अपनी हवेली है या रेंट जो है खिल लेते हैं या कुछ और सो होते हैं क्योंकि मामले उसके क्या नाम है ये भाई अब पानी का बिल और वो जो छोटे मोटे होते हैं कि ना और एक्सपेंसेस, तो वो अगर आपके अपने हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। तो बाकी मैंने आपको गाइड जो है भाई कर दी है कि एक घोड़े को रखने का कितना ख़र्चा आता है, ठीक है जी। बाकी आप क्या नाम है भाई लोगों की जो है फॉर्म में ना जाएँ, वो सबको करते हैं डीमोटिवेट ताकि हमने रख लिया है घोड़ा तो और कोई ना रख सके, ठीक है जी। बाकी इतना एक्सपेंस नहीं है इस क्या नाम है महंगाई के इस दौर में 8000 रुपये मेरे ख्याल में कुछ नहीं है आजकल, हर छोटे से बच्चे के पास भी 8000 रुपये होता है एट द एंड ऑफ मंथ। तो बाकी ये है कि जो आप उल्टे कामों पे आपने पैसे अपने उड़ाने हैं तो सिर्फ अच्छा है कि एक ये इसको रखना जो है वो सुन्नत भी है तो आप लोग जो है ये रखें। सॉरी वीडियो जो है वो काफ़ी थोड़ी सी हो गई है लंबी, लेकिन वो भाई कह रहा था कि इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। तो चलो फिर अब राइडिंग के लिए घोड़े तैयार जो भी करते हैं तो फिर वो ये बात। तो जी आ गए हैं राइडिंग के लिए, घोड़े माशाल्लाह खा पी के खड़े हुए हैं, धूप शूप सेक रहे हैं, सकप पे धूप नहीं आती उसमें इसकी वजह से, पर फिर भी वो ठीक है। नास को आ गई सूसू, वो करे सूसू, हम जाते हैं सैडल उठाते हैं और कॉल करते हैं जी मिठू को आए इधर, शाके को भी आ गई है। लो जी ले आए हैं नमक सैडल हो गई, ये सारी के चाह के उसमें खिले अच्छे चाह के एक हाथ में यूं डाल लो और यूं ठंडी सी बना के घोड़े का मुँह खोल के यूं अच्छी तरीके से भैया पल्लों पे गया ना और यूं तालू पे लगा दो तो बांध के पीछे जो है लगा दो।
खाने पे दिल हुआ है तो नाश को जो है वो मिल रहा है। इसका मुँह थोड़ा अंदर से छोटा है, तंग है थोड़ा मुँह, तो इसकी उंगलियों के एहतियात है वो करनी होती है। अगर उंगली आ जाए दांत के अंदर हो अल्लाह माफ कीजिए, जो दर्द होता है बाकी कर देता है। मुँह उसका काफ़ी सख्त हो रहा है, कैसे समझिए। असल में क्या नाम है जिसके नाम तीन है कि नाम सर्दियाँ पीछे हो गए, इस टाइम सर्दियाँ आती हैं तो तब कैसों को जो है ना टाइम नहीं जाता, या बंदे से राइडिंग होती है या नहीं बंदा कह रहे हैं वो निकलते फिरते हमारे पास शाम ही हो जाती है, धूप भी रहती है तो उसकी वजह से नमक चुन कर रहता दान कर रहा है, ऐसी दान बड़े तेज हैं इसके। देखो कैसा हो गया, और इनकी थूक इनकी आगाना स्टार्ट हो गई है। देखो नाज भी अब अपनी नारी के साथ खेल रहा है, राइडिंग में कोशिश है ये भाई पिया करोगे शादी में, तो बल्कि सारी जो है शादी इस्तेमाल जो है ये करता हूँ नारियाँ वगैरह, देख लो बिल्कुल जो है ना शादी है। खेलना स्टार्ट हो गया इसकी आंख पे क्या हुआ साफ हो गया। तो जी राइडिंग के लिए आउट हो गए हैं, मुझे एक कॉल एक आई हुई थी इस वजह से फिर मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं जो है ले सका, तो आगे जो है जाते हैं तो फिर कंटिन्यू जो है वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के यूट्यूब के शागिर्द खास, बल्कि शागिर्द नहीं है काफ़ी सारे ऑनलाइन शागिर्द आजकल मैंने अपने बना लिया से करो अच्छा, वो कमेंट आया हुआ था कि घोड़ा आपका सीफ हो तो क्या जो है वो करना चाहिए, अगर सीफ हो सीफ होने वाला हो तो फिर आपको रखना ही चाहिए, अगर बैठ गया आपको नहीं इलम और घोड़ा सीफ होता है तो देखो, तो जिस टाइम भी घोड़ा सीख होने वाला होता है तो इंसान को जो है मतलब कहने में आगाही हो जाती है यार, बस इसमें अगला स्टेप नहीं उठाना, इसमें भी जो है वो भी सीख हो जाना है, तो उसके लिए होता ही है कि आपने अगर सीधे जो है वो भी जा रहे हो ना तो आपका विलम्ब हो गया यार, यार बस एक मिनट बाद या एक सेकेंड बाद इसमें जो है वो मतलब सीख हो जाना है, तो जिस टाइम वो कहना मालिका से उठे ना तो आपने ये जो चलो अगर अभी आप लोग के पास कैमरा इस तरफ है तो ये जो क्या नाम है ये विरास है ना, मैं ऐसे पतला जो एक्सपीरियंस है वो आपको मतलब क्या नाम है ये जा रहा हूँ, क्योंकि ये ना अगर पाकिस्तान है फिर काफ़ी ज़्यादा लोग एतराज़ भी जो है वो भी करते हैं, तो उसमें होता ये है कि अब ये तो चलो सीख होता नहीं है लेकिन फर्क से थोड़ा फ्यूचर में कर लूँ, अगर ये अब सीख हो रहा है या अभी होने वाला है तो मैंने तो कल ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो भी कर देनी है चेंज, अगर स्ट्रेट जो है वो जा रहा है तो मैं उस तरफ जो है वो मतलब है कि भी ले जाऊँगा ताकि इसका जेन सीख होने से ये भी आ जाएगा। अच्छा अगर चलो वो नहीं होता काम आपके मतलब इतना वो जेन में नहीं रहता कि आप उसको एकदम इस तरफ जो है वो भी कर लो या कुछ और, तो सीख अगर फिर भी हो रहा है तो उसका हल ये होता है कि देखो घोड़ा सीख उस टाइम होता है कि वो जिस टाइम अपने मुँह से आज़ाद हो जाए, एक मुँह से आज़ाद हो जाए और जो होता है ना जेर बंद वो होता ही इसलिए है कि ताकि घोड़े को हमेशा खौफ रहे और मुँह ऊपर मिठा सकता है, एक मुँह आज़ाद का मतलब ये होता है कि घोड़ा आपके अंदर से जो है ना आज़ाद हो जाता है, आपके पास उसका जो मतलब है कि एक वागें हाथ नहीं होती हैं लेकिन वो आपके हाथ में किस्म का नहीं होता, वो फाउल जो है वो मतलब इसको मैं अपने जो है ना साहब में क्या तो होता हूँ कि घोड़े ने कल्ले जो है वो छोड़ दिए,
ठीक है। और उसके बाद ये है कि एक होता है कि जो घोड़ा है जिस तरह ये वाला है, देखो अब इसके आगे एक गियर बंद नहीं है, तो ये मुँह अपना यहाँ पे देखो ये आ सकते हैं इधर ऊपर भी। अगर अभी गियर बंद होता यहाँ पे जो स्टेप आती है अगर वो होता तो इसका मुँह यहाँ से और ऊपर की तरफ ना होता तो फिर भी ये सीख ना हो सकता। लेकिन कुछ जिस तरह इंसानों में थोड़े बहुत शैतान आदमी होते हैं जो कि ऑलरेडी मेरी ये वीडियो जो है वो भी देख रहे हैं, तो वो अगर उन तरह का कोई हो तो वो सीख का फ्री हालत है। आप ये जो वाग है ना, चलो ये आप इधर ही है, इसको यूं जो है वो खिनकार के ना इस तरफ एक नीचे करके, और आपने उसी वक्त इसका यूं जो है होगा ये कि आपके घोड़े का जो अट्रैक्शन है वो भी हो जाएगा चेंज, और उसको उसका जो दूध है वो ऊपर की तरफ नहीं हो सकेगा, सीख नहीं हो सकेगा। वो एक बार अगर वो मतलब हो गया है उसके बाद वो फिर आगे जा कर सीख होना चाह रहा है, तो फिर आप उस तरफ जो है कि एक मोड़ लो, और साथ में हड्डी जो है देनी है, ये ना हो कि उसको आप एक जगह पर जो है वो रोक लो। जो जिसको भी आदमी जो है ना अगर एक जगह पे जो है वो भी रोक लो ना, तो फिर वो सीख होते हैं, सीख उस टाइम ही होते हैं। अगर सीख हाँ एक ना एक और भी है, अगर आपका सीख हो रहा है तो उसका अगर आप इस तरह जा रहे हो ना आराम से स्लो स्लो उसको हड्डी जो है दे के उसी वक्त इस तरह जो है वो कर लो स्पीड में, ठीक है, क्योंकि स्पीड में भी होगा तो सीख नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ट्रिक्स होती हैं जो साधन अपने पास पाक जो है वो लिखी होती हैं, बाकी और ऐसा लिखना और कुछ नहीं होता, यही होती है छोटी छोटी चीज़ें। और ये गदरे पता नहीं कौन कौन ये देख रहा होगा वीडियो और वासरा होगा जी, उसको देखो ये उस्ताद जो है वो बन गया, मैं उस्ताद हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं जो कुछ सीख होते जो है वो जो मेरा अच्छा नाम है मेरा 9 साल का अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर मैं जो है ये भी करूँ, यही है छोटी छोटी चीज़ें और गबरे दिन से जा के आपका घोड़ा जो है वो तैयार हो जाता है और हाउस हाउस छोड़ देता है। काफ़ी आगे आगे आज भी हमारी लॉन्ग राइड हो ही गई है, तो ये सारे मामला तो वाकियात हैं। डांस करने हो ना खैर 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 कुछ आज करना ने शाह जी आज करना ने थोड़ा जा डांस थोड़ा जा लो जी डेरे ते पहुंच आए हैं। जागनो जय जी जागनो फोन चाहे शाह जी चलो जी हम लोग आ गए जी राइडिंग वो करके आज मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ शाह जी आज बहुत ठीक है ना राइडिंग मैं बहुत थक गया हूँ सुने तुम भी थके हो या नहीं राफ राफ कोई एंगी तंगी नहीं कीती राफ राफ कोई कीती के सारे डाल है वो नहीं ताई बार जड़ा नहीं कुट भी जड़ा खाना सारे को ये हमारा वो घोड़ा है जो और जो है ना खिचो थोड़ी आजाद हो जाए ना तो वो आता है इसके पास ही इसकी शामत होती है और वो कुछ नहीं कहता। तो चलो ये बताते हैं चलो शाह जी घोड़े माशाल्लाह अंदर हो गए सारे बस आते तो और अंदर किया फिर बाद में ये जो है कि यहाँ रब दर ब्लॉक को अपना करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़ खुश रहो आबाद रहो सारे।